नमस्कार, टीचर्स ऑफ बिहार के संडे फंडे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आओ मिथिलाक्षर सीखें के आज की कड़ी में हम लोग मात्राओं के बारे में सीखेंगे। तो आज का एपिसोड मात्रा पर आधारित है। आपने अब तक वर्ण को लिखना सीख लिया है और सभी प्रकार के वर्णों को किस तरह लिखते हैं वह आपने सीख लिया है। तो आइए आज हम सीखते हैं मात्रा के बारे में। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमने सबसे पहले लिखा है आकार की मात्रा, क्योंकि मैथिली में हमने लिखा है आकारक मात्रा, यानी आकार की मात्रा। तो बहुत ही आसान है, जिस प्रकार से देवनागरी में हम लोग आकार की मात्रा लगाते हैं उसी प्रकार से मिथिलाक्षर में भी लगेगा। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना होता है कि एक ही स्ट्रोक में हम मात्रा भी लगाते हैं। देखिए, मैं एक लिख करके दिखाता हूं, बाकी आप आराम से समझ जाएंगे। जैसे यहां क लिखा गया है, पहले क पर आकार की मात्रा कैसे देंगे वो देखिए। पहले तो क लिखना, इस तरह से क लिखना है और ऊपर से शिरोरेख जब देते हैं उसी शिरोरेख को देते हुए नीचे आना है ऐसे, और फिर ऊपर जाकर के इसको इस तरह से लिखना। इस प्रकार होगा का। खा लिखने के लिए पहले तो हम ख लिखेंगे, इस तरह से ख की आकृति बनाएंगे और उसी में से नीचे आते हुए इस तरह लिखना। जबकि देवनागरी में क्या होता है कि आप इस तरह से ख लिख करके अलग से एक सीधी लकीर खींचते हैं और फिर ऊपर से शिरोरेख देते हैं। जबकि मिथिलाक्षर में क्या होता है, यहां से थोड़ा सा तिरछा होगा लकीर, नीचे की तरफ आएगा और फिर ऊपर जाकर के छोटी सी लकीर यहाँ पे हम खींचते। इसी प्रकार से गा में भी मैं लिखने का स्ट्रोक कैसे लिया हूं मैं वो दिखाता हूं। इस तरह से ऊपर की तरफ जाकर के फिर नीचे आना है, फिर ऊपर जाकर के फिर यहां से नीचे आते हुए फिर ऊपर जाना है और फिर यहां पर एक शिरोरेख खींचेंगे। ये हो गया गा। घा लिखने के लिए भी पहले हम घ लिखते हैं इस तरह से, फिर नीचे की तरफ स्ट्रोक लेते हैं। कोशिश ये रहती है कि आपका पेन या आपका पेंसिल या जो भी आप इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए वो एक ही बार में लिखा जाए। अब चा लिखने के लिए पहले च लिखते हुए इसी को नीचे खींचेंगे, इस तरह से कर देंगे, ये हो जाएगा चा। फिर छा लिखेंगे, पहले छ की आकृति बनाइए और फिर उसमें आकार की मात्रा लगा दीजिए। इसी प्रकार से जा, ज लिखते हुए ऊपर से शिरोरेख को फिर नीचे की तरफ खींचते हुए फिर यहां पर एक स्ट्रोक लेंगे, ये हो जाएगा जा। अब आइए झा। झ बनाते हुए झ लिखेंगे, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आकर के एक स्ट्रोक लेंगे, ये हो जाएगा झा। इस तरह से आकार की मात्रा में हम बाकी वर्णों पर भी इसी तरह से आकार की मात्रा लगाएंगे और जब शब्द बनाने की बारी आएगी तो यह मात्रा आपको बहुत काम आने वाला है। तो एक बार फिर से आप स्क्रीन पर देख लीजिए, बाकी वर्णों पर भी इसी प्रकार से आकार की मात्रा लगाई गई। अब आपके स्क्रीन पर ह्रस्व ई कार की मात्रा दिख रहा होगा। तो ह्रस्व ई लगाना भी देवनागरी की तरह ही मिथिलाक्षर में ह्रस्व ई लगता है, बहुत आसान है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि सब में किस प्रकार से ह्रस्व ई लगाया गया है। तो सारे वर्ण आप लिख लेंगे और सारे वर्णों पर एक ही अंदाज में एक ही तरीके से ह्रस्व ई की मात्रा लगाई गई है। तो इसके लिए कहीं चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि मिथिलाक्षर में ह्रस्व ई कार कुछ डिफरेंट होगा, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। बिल्कुल देवनागरी लिपि में जिस तरह से हम ह्रस्व ई कार लगाते हैं उसी प्रकार यहाँ भी लगेगा। यहाँ भी देखिए सिंपल है, पहले जो वर्ण है उस वर्ण को पहले हम लिख लेते हैं और फिर पीछे से उस पर जो है ह्रस्व ई की मात्रा लगाते हैं। खी के लिए जो है ख लिख दिया मैंने और फिर पीछे से ह्रस्व ई की मात्रा लगा दिया है। मैं कुछ वर्णों का दिखा देता हूं ताकि आप बाकी वर्ण पर भी लगा पाएंगे। और खूब अभ्यास करने से क्या होगा, आपकी एक तो हैंडराइटिंग सही हो जाती है, अच्छी हो जाती है, और दूसरा अभ्यास करने से आप जो है स्पीड आपकी अच्छी हो जाएगी। जिस प्रकार से देवनागरी आप स्पीड में लिख पाते हैं उसी तरह से मिथिलाक्षर में भी गति आ जाएगी और फिर आप धड़ल्ले से इसको लिख पाएंगे।
अब देखिए मैं सभी पर मात्राएं लगा रहा हूं, देख पा रहे होंगे कि अब कितना आसान हो गया है इस पे मात्रा लगाना या इन वर्णों को लिखना। मुझे आशा है कि आज के इस चौथे एपिसोड तक आते आते आप लोगों ने मिथिलाक्षर में बहुत कुछ सीख लिया है। यहाँ देखिए ठीक कैसे लिखा गया है, ठ की आकृति पहले बनाते हैं और पीछे से ह्रस्व ई की मात्रा लगा देते हैं। टी था ये टी, अब ठी लिखेंगे तो पहले ठ की आकृति बनाते हैं और फिर पीछे से ह्रस्व ई की मात्रा। इसी प्रकार से डी ढी ली, यहाँ पर जो है टठ डढ न है ना, बड़ी न नी है। और फिर ती कैसे लिखा हुआ है, बिल्कुल वर्ण जो है इसमें जो ह्रस्व ई की मात्रा लगाई गई है, यह ह्रस्व ई की मात्रा बिल्कुल देवनागरी की तरह ही है। तो इसको आप अच्छे से एक बार देख लें स्क्रीन पर और इसको आप अभ्यास करेंगे। अब आइए दीर्घ ई कार की मात्रा को देखते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सभी वर्णों में मैंने ई कार की मात्रा लगाया है और कुछ उदाहरण भी अगल बगल आप देख रहे हैं। तो देवनागरी के तरह ही इसमें भी दीर्घ ई कार की मात्रा लगता है। अब देखिए यहां पर मैं लगा रहा हूं क में दीर्घ ई कार की मात्रा, तो ऊपर मैंने दोबारा इसे लिख दिया है क्योंकि नीचे जो क की मात्रा दिख रही है उसमें क की छवि स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जेल कलम से मैंने लिखा है, इसलिए आप इसको सही मानेंगे जो ऊपर है, यानी आप क सही से लिखेंगे और फिर दीर्घ इकार की मात्रा लेंगे। इसी तरह से खी घी घी, फिर ये ची है छी, ज में दीर्घ इकार जी झी, फिर टी और फिर यहाँ ठ में दीर्घ इकार है। आप देख लीजिए ठी कैसे लिखेंगे, पहले आप ठ की आकृति बना लें और इस पर इस तरह से आप दीर्घ ई लगा देंगे, ये हो जाएगा ठी। उसके बगल में फिर डी ढी, ये हो गया नी, ये ना देवनागरी में जो लिखते हैं ना इस तरह से, ये हुआ नी। उसके बाद ती थी डी, फिर धी नी दीर्घ इकार पी फी बी। देखिए वो बी और वी में क्या अंतर है, पहले भी बताया हुआ, यहाँ पे एक बिंदी दिया जाता है तो व हो जाता है, बिंदी नहीं देंगे तो वो ब हो जाएगा। तो ब व और र में जो सूक्ष्म अंतर है उसको आपको समझना होगा। तो इस प्रकार से दीर्घ इकार की मात्रा यहां तक है। यहां मैंने शीर लिखा है शी के लिए, ठीक है। अगर हमें लिखना है मैत्री तो मैत्री कैसे लिखेंगे, अभी आपको एकार की मात्रा तो मैंने बताया नहीं, लेकिन त्रि लिखने के लिए वहां पर आपको काम आएगा, तो वहां आप इस तरह से त्रि लिखेंगे। तो अगले एपिसोड में यानी एपिसोड 5 में जब हम लोग मिलेंगे तो वहां बात होगी शेष बचे हुए मात्राओं पर। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए विदा दीजिए, नमस्कार।